Hi everyone. So, you know, today I'm going to share with you a big surprise for everyone. Like जो हमारे साथ फैशन डिज़ाइनिंग सीख रहा है वो भी, और जो नहीं सीख रहा है उसके लिए भी. सो द सरप्राइज इज कि आज मैं स्केचेस की डिटेल्स दूंगी और वो 13 स्टेप बताऊंगी कि आप किस तरह से फैशन डिज़ाइनिंग की तमाम प्रैक्टिस कर सकते हैं. और स्क्रीन पे आप देख रहे हैं फ्लैट स्केच नंबर 1 पे है गाइस. इसकी प्रैक्टिस, इसकी डिटेलिंग्स, इसकी की आपको जानना है. और ये वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उन लोगों के लिए है जो डिज़ाइनिंग फील्ड में अपना नाम बनाना चाहते हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं. तो गाइज़ आपको बॉडी ब्लॉक की प्रैक्टिस, फ्लैट फैशन स्केचेस की प्रैक्टिस 1 पे है. इस तरह से ड्राफ्टिंग की डिटेल्स बहुत ज़रूरी है आपको प्रैक्टिस करना. और इस वीडियो में खास बात ये भी है कि जो हमारे फर्स्ट बैच के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी स्टेप में आप हमारे साथ डिज़ाइनिंग सीखेंगे. सो 1 to 13 स्टेप है जो हमारे साथ आप फैशन डिज़ाइनिंग सीखेंगे. और सेकेंड बैच वालों के लिए इसमें असाइनमेंट है, फ्लैट फैशन स्केचेस बनाने हैं आपको, फैशन इलस्ट्रेशन बनाने हैं आपको, ड्राफ्टिंग की डिटेल्स. सो टफ कर दिया है इस बार हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, बिकॉज सेलेक्शन करना बहुत मुश्किल होता है. तो गाइज, जिसके सपने स्ट्रॉन्ग है, जिनको बनना है, डेडिकेशन है कि हाँ मुझे फैशन डिज़ाइनर बन के दिखाना है, तो आप हमारे साथ ज्वाइन कीजिए 3 फैशन डिज़ाइनिंग सेकेंड बैच में. तो देखिए किस तरह से फ्लैट फैशन स्केचेस की प्रैक्टिस करते हैं, और ये हमारे सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है. आप सब इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, चाहे आप बुटीक रन कर रहे हो, आप टेलर हो, आप स्टूडेंट हो, या फिर आप खुद एक डिजाइनर हो, तो उसके लिए जरूरी है आपको फ्लैट फैशन स्केच की प्रैक्टिस. आप अगर सोचते हैं कि फैशन डिज़ाइनिंग बहुत इजी टास्क है जॉब, तो डियर आप, मैं बता दूं आप लोगों को कि तो आप लोगों के लिए फैशन डिज़ाइनिंग नहीं है. जो हार्ड वर्क करना चाहता है, जो डेडिकेटेड है, और जो पत्थर में भी ना पानी निकाल ले यार, वही फैशन डिज़ाइनर बन सकता है, बिकॉज बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस. अब आते हैं सेकेंड पॉइंट में, फैशन इलस्ट्रेशन की प्रैक्टिस. 1 फ्लैट स्केच, 2 पर है फैशन इलस्ट्रेशन. आपके फैशन इलस्ट्रेशंस जितने बेस्ट होंगे, उतना ही आप अपने क्लाइंट को, अपने सराउंडिंग में जिसके लिए आप डिज़ाइंस बनाते हैं, या आप किसी कंपनी के लिए बनाते हैं, या आने वाले दिनों में आप किसी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है फैशन इलस्ट्रेशन की प्रैक्टिस. तो गाइज, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए. फैशन इलस्ट्रेशन में हमने बॉडी ब्लॉक बताया है, फ्लैश फैशन स्केचेस बताया है, रेंडरिंग करना बताया है, तो वो तमाम आप वीडियो देखिए और प्रैक्टिस कीजिए. इस तरह से कलर का ख्याल रखिए, बॉडी फिगर का ख्याल रखिए, मूवमेंट का ख्याल रखिए, कलर एंड टोन का ख्याल बहुत रखना है. और मैं आज इस वीडियो में अपने टॉप 5 स्टूडेंट्स के भी इलस्ट्रेशन शेयर करने वाली हूँ, जो आप लोगों ने मुझे भेजा हुआ है मेरे पास, मेरे व्हाट्सएप ऑफिस के नंबर पे. तो अब आप जान चुके होंगे कि फैशन डिज़ाइनिंग में कितने सारे स्टेप होते हैं. फैशन डिज़ाइनिंग बहुत इजी नहीं है कि आप लोग बस इन हुए और आपको तुरंत मिल गया. आपको मेहनत करनी पड़ेगी गाइज, और जो मेहनत करने के लिए ठान चुका है, बस वो मेरा हाथ पकड़े और बस डेडिकेशन के साथ, इसी डेडिकेशन और स्ट्रेंथ और एनर्जी के साथ आगे बढ़े. तो देखिए, फैशन इलस्ट्रेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी फिगर की प्रैक्टिस करना, क्योंकि मूवमेंट आप जितने अच्छे होंगे उतना अच्छा आप इलस्ट्रेशन बना पाएंगे. एंड गाइज, नेक्स्ट 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मूड बोर्ड. गाइज, मूड बोर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सिंगल डिज़ाइनर स्टूडेंट और एवरी सिंगल फैशन डिज़ाइनर, चाहे वो एस्टेब्लिश्ड हो या सीख रहा हो या असिस्ट कर रहा हो. मूड बोर्ड बहुत ज़रूरी है, और मूड बोर्ड की डिटेल्स वीडियो में बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे रिक्वायरमेंट लिस्ट आई है और बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं और बहुत सारे रिक्वेस्ट भी आए हैं कि मूड बोर्ड की डिटेल्स एंड थीम बोर्ड की डिटेल्स बताएं, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बताऊँगी. लेकिन आज के वीडियो में सबके लिए है वो तमाम इन्फॉर्मेशन कि एक्चुअली फैशन डिज़ाइनिंग सीखा कैसे जाता है, प्रोसीजर क्या है, क्या क्या की है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है. तो गाइज, अभी तक जितने भी मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, वो तमाम वीडियो के बहुत डिटेल्स में मैंने आज एक वीडियो आप लोगों के लिए कंप्लीट किया है, और ये डिटेल वीडियो आपको एकदम क्लियर कर देगा कि डिज़ाइनिंग प्रोसेस क्या होता है. तो मूड बोर्ड जो है, उसमें आप अपने डिज़ाइंस के मूड्स डिफाइन करते हैं, और इससे सो गाइज इसे क्लियर हो जाता है कि मूड बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंस है फैशन डिज़ाइनिंग में. और मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि क्या डिफरेंसेस है बिटवीन मूड बोर्ड एंड थीम बोर्ड में. तो गाइज, आप जान लीजिए कि यू नो दैट हेयर इज़ द हैंडी वे टू थिंक अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन मूड बोर्ड एंड इंस्पिरेशन बोर्ड.
मूड बोर्ड जो है वो फीलिंग कॉन्सेप्ट साइकोलॉजिकल इम्प्रेशंस होते हैं और आप उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मूड्स डालते हैं और उसके हिसाब से फिर आप अपना डिज़ाइंस कॉन्सेप्ट निकालते हैं। और इंस्पिरेशन बोर्ड्स में बिल्कुल डिटेल होता है, जो आपका इंस्पिरेशन बोर्ड होता है कि उसमें आपके डिज़ाइंस, आपके कॉस्ट्यूम, आपके आउटफिट्स के कलर क्या होंगे, टेक्सचर क्या होंगे, आपने किस थीम पे बनाया है, वो तमाम डिटेल्स होंगे और ये बहुत क्लियर होता है ताकि आपको डिज़ाइनिंग प्रोसीजर बहुत आसानी हो। तो गाइज़ आप समझ गए होंगे, लेकिन उसके बावजूद मैं आप लोगों के लिए एक बहुत डिटेल वीडियो बनाऊँगी मूड बोर्ड, थीम बोर्ड एंड इंस्पिरेशन बोर्ड। हमेशा स्टूडेंट हम भी थे तो हम भी कन्फ्यूज़ होते थे कि सर ये मूड बोर्ड थीम बोर्ड कन्फ्यूज़ करता है, क्लियर कीजिए, लेकिन हमें आज तक उन्होंने नहीं बताया। बट गाइज हम आप लोगों को बताएंगे क्योंकि हमने बहुत ढूंढ ढूंढ के स्टडी किया है, हम भी फैशन डिज़ाइनिंग पढ़े हैं बट हम क्लास में कम सीखे हैं, आउटसाइड ज़्यादा सीखे हैं। सो ये दिक्कत आप लोगों को ना हो इसलिए मैं आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। अब आगे बढ़ते हैं फ्लैट स्केचेस। तो गाइज आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, फ्लैट स्केचेस एक ऐसा की है जो आप अपने क्लाइंट को इम्प्रेस कर सकते हैं, चाहे वो आप इंडिया में काम करें, इंडिया से बाहर काम करें या फिर आप किसी भी शहर के हों, छोटे शहर बड़े शहर, हर एक सिंगल पर्सन को ये जानना होता है कि उसके डिज़ाइन बनने के बाद कैसी दिखेगी। सो समझ सकते हैं अगर आप में ये इम्प्रूवमेंट आ गया कि आपको डिज़ाइन कैसे एक्सप्लेन करना है, कलर कैसे एक्सप्लेन करना है, फिलिंग कैसे करना है, चाहे आप स्टूडेंट हों, बुटीक रन कर रहे हों, आपका खुद का डिज़ाइनर कॉन्सेप्ट हो, आपका खुद का एक स्टोर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको जरूरी है प्रैक्टिस करना। सो आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि फ्लैट स्केच प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएं कि डिजाइनिंग करना, किस तरह से आगे बढ़ना और किस तरह से अचीव करना, ये हमें सीखना है और वो भी हमारे साथ। सो गाइस क्लियर होते जा रहा है हमारे साथ सीखने का क्या टेक्निक है, हमारे साथ आगे बढ़ने का क्या टेक्निक है, तो मुझे बहुत खुशी है। और आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप प्रैक्टिस कीजिए। और सेकेंड बैच वाले जो हैं प्लीज़ इसमें से आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, वीडियो के अंत में बताती हूँ मैं असाइनमेंट, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हम फ्लैट स्केचेस की प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को जोर दे रही हूँ, तो दिस इज़ द वेरी इजी की गाइस, क्योंकि मेरे बहुत सारे वीडियोस में मैंने आपको फ्लैट स्केच बनाना बताया। बस करना क्या है, आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाना है, वीडियो फाइंड करनी है, वो भी वीडियो देखना है जो आप लोगों ने नहीं देखा और जो देख लिया है उसको देख के प्रैक्टिस करना। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में, फैब्रिक एनालिसिस। आपने फ्लैट स्केच किया, आपने इलस्ट्रेशन किया, लेकिन अगर आपको फैब्रिक के नॉलेज ही नहीं है गाइस, तो आप डिज़ाइन कैसे बनाएंगे, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट की ना। तो डिज़ाइनिंग के लिए ज़रूरी है आप अपने मार्केट में जब भी लॉकडाउन ख़त्म होता है या आपके खुद के घर में बहुत सारे फैब्रिक होंगे, उसको निकालिए, उसको एनालिसिस कीजिए और ये देखिए कि उस फैब्रिक से किस तरह से डिज़ाइन बन सकते हैं। और अब बारी आती है टॉप 5 स्टूडेंट की, जो क्लास शुरू होने से पहले बेस्ट वर्क किए हैं। नंबर 1 पे रक्षन दानोर, दूसरे नंबर पे उमा पाल, गीतांजलि साहू, थर्ड नंबर पे हैं, बहुत अच्छा काम किया है सुनीता मौर्या जी, आपने बहुत अच्छा काम किया है, एंड राखी कश्यप, बोथ आर स्टूडेंट्स इज़ वेरी गुड। बिना क्लास स्टार्ट किए आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया है, क्लास के बाद तो कॉम्पिटिशन टफ होने वाला है गाइज। अब आगे वीडियो की तरफ मूव करते हैं और फिर से आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जल्दी करवाइए, असाइनमेंट भेजिए और क्लासेस शुरू कीजिए। और इसी तरह हर हफ्ते मैं 5 स्टूडेंट्स के डिज़ाइंस अपलोड करूँगी, आप लोगों के बेस्ट डिज़ाइंस अपलोड होते जाएंगे हमारी वीडियो में। आगे बढ़ते हैं हम कि अपने डिज़ाइंस प्रेजेंटेशंस कैसे करें और किस तरह से हम मूव करेंगे कि हम फ्लैट फैशन स्केच, इलस्ट्रेशन, मूड बोर्ड, इंस्पिरेशन बोर्ड के बाद अब आता है नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, द पैटर्न मेकिंग। आपने सारे प्रोसीजर कंप्लीट किए, अब सबसे इम्पॉर्टेंट की होते हैं आपके पास गाइस कि आप अपने डिज़ाइंस का पैटर्न किस तरह से डिज़ाइंस डिसाइड करते हैं, किस तरह से उसको प्रेजेंट करते हैं और आपका किस तरह से उसको मार्केट में लॉन्च करना होता है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले मार्केट एनालिसिस कीजिए, आप जिस पैटर्न पर काम करना चाहते हैं या करने वाले हैं उसका फैशन है या नहीं है, आप जो फैब्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं वो सीज़न वाइज सही है या नहीं है। पैटर्न बनाते समय आपको फैब्रिक का खास ख्याल रखना है, डिज़ाइन का ख्याल रखना है, एंड जो फैब्रिक आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस तरह से फ्लो देगा आपके कॉस्ट्यूम में, आपके डिज़ाइंस में मैच करेगा या नहीं, तो डिज़ाइंस में इम्पॉर्टेंट है। देन लास्ट स्टेप आता है आपका ड्राफ्टिंग।
ड्राफ्टिंग एंड कटिंग बोथ कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट की है, बिकॉज ये एक प्रोसीजर है पहले नंबर का कि आप कटिंग से पहले ड्राफ्टिंग कर लें, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम हमेशा अपने स्टूडेंट को यही सलाह देंगे कि जब भी आप डिज़ाइन बनाएं या डिज़ाइंस लॉन्च करने वाले हों तो ज़रूरी है आप डिटेल्स लिख लें, आप मेजरमेंट लिख लें, आप डिज़ाइंस का क्लियर इलस्ट्रेशन बना लें, फ्लैट स्केच बना लें, फिर उसके बाद आप ड्राफ्ट करें। बहुत आसान है ड्राफ्ट करना और हमने ऑलरेडी अपने वीडियो में आपको सिखाया हुआ है, तो गाइस करना क्या है, बस वही प्लेलिस्ट में जाइए, चेक कीजिए, कन्फ्यूज़ मत होइए, आप देखिए किस तरह से स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। अब आते हैं मटेरियल नॉलेज, यस दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, ड्राइंग पेंसिल गाइड्स, यस फिर से ABCD पढ़ने का इरादा है, यस है, तो चलिए शुरू करते हैं। और बहुत ज़रूरी है ये ABCD का जो टेक्निक है ना गाइज, अगर समझने वाले अगर समझ गए तो डेफिनेटली आगे बढ़ने से उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स मेरे बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हो यार, आप लोग लव यू गाइज, और डेफिनेटली 21 में आप लोग बहुत अच्छा काम करोगे मेरे साथ, अवार्ड फंक्शन में लेके जाना है आप लोगों को, तो बी रेडी फॉर दैट, एंड सैम्पल आप लोगों को बनाना पड़ेगा स्मॉल स्मॉल, और लास्ट में 3 मंथ्स के कम्प्लीट होने होने में आपको डाला जाएगा कंपटीशन मोड में, यस आप लोगों के ग्रुप में कंपटीशन होगा हु इज़ द बेस्ट डिज़ाइनर इन फर्स्ट बैच, और बकायदा आपके पोर्टफोलियो जो हम आपको बना के देंगे उसका हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे और अपने चैनल पे चलाएंगे और बताएंगे ये होता है यार डिज़ाइनिंग सीखने का, 3 महीने में सिखाने वाले, बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी फॉर मेरे इतने सारे स्टूडेंट हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और गाइज थोड़ा सा मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी, मेरे कॉलेज खुलने वाला है, मेरा इंस्टीट्यूट ओपन होने वाला है, तो आप लोगों को हमारे स्टूडेंट्स के साथ भी प्रोजेक्ट एंड कंपटीशन में पार्ट लेना पड़ेगा जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं, क्योंकि हमारे बच्चे भी तैयार हैं हमारे कॉलेज के इंस्टीट्यूट के, और वो रोज़ कॉल करके पूछते हैं मैम ऑनलाइन का क्या सिस्टम है, कैसे बच्चे इनरोल हो रहे हैं, किस तरह से इनरोल कर रहे हैं। तो गाइज हमने आप दोनों के बीच में कंपटीशन डिसाइड किया है और जो बेस्ट होगा वो 2021 में उसके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा। तो ये है प्रोसीजर डिज़ाइनिंग सीखने का, आप चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट में हो गाइज ये वीडियो बहुत यूज़फुल है, और जो डिसलाइक करता है यार आप लोगों को वेरी 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 मच थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे अंदर एनर्जी भर देते हो यार, मैं तो कहूँगी 4-5 अनलाइक मत दो, आप 10 डिसलाइक दो, 20 डिसलाइक दो, 100 डिसलाइक दो, यार आपकी जो एनर्जी पावर है ना मुझे बूस्ट करती है, आई लव यू गाइज आई लव यू। सो मेरे स्टूडेंट्स आप लोग सब रेडी रहिएगा और हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं डिटेल वीडियो के साथ। मैं आप लोगों से छुट्टी लेना चाहती हूँ 2 दिन के लिए, क्योंकि मेरा है ईद और हम मनाना चाहते हैं ईद अपने लोगों के साथ, तो अगर 2 दिन वीडियो अपलोड नहीं होता है तो आप मायूस मत होइएगा, मेरी कोशिश पूरी रहेगी आप लोगों की क्लास कंटिन्यू रहे। तो यहाँ तक बने रहने के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच गाइज, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ब्लेस्ड डे।